हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंटेंस के टाइप्स के बारे में। वैसे तो सेंटेंस के वेरियस टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सेंटेंस के उन टाइप्स के बारे में बात करेंगे जो डिपेंड करते हैं सेंटेंस के फंक्शन और उनके मीनिंग पर। फंक्शन के आधार पर सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस, जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, हिंदी में इसे कथनवाचक वाक्य कहा जाता है। सेकंड, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड, इम्पेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य। और फिफ्थ नंबर पर आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य। अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों ही टाइप के सेंटेंस सेंटेंस के टाइप्स में काउंट नहीं किए जाते हैं, इनको असर्टिव सेंटेंस में ही काउंट किया जाता है। वैसे तो इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये सभी सेंटेंसेस पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन फिर भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस और निगेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंस में ही काउंट करते हैं। इंग्लिश में जब हम कोई ट्रांसफॉर्म करते हैं या ट्रांसलेशन करते हैं, तो गाइस जैसे और टॉपिक की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह सेंटेंस के टाइप की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो डिटेल में स्टडी करते हैं सेंटेंस के टाइप्स की। सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव, निगेटिव दोनों हो सकते हैं, मीन्स जिसमें हम जर्नल वे में कोई बात कहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, मीन्स चाहे आपने नॉट का यूज़ किया हो या ना किया हो, दोनों ही टाइप्स में वो सेंटेंस असर्टिव कहलाते हैं। मीन्स जिसमें हमने कोई जर्नल वे में बात की होती है, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ही इज़ ऑनेस्ट, ईमानदार है, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर हो, आई लाइक टू रीड बुक्स, मुझे पुस्तक पढ़ना पसंद है। इस टाइप के सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, क्योंकि इनमें एक कॉमन बात कही गई है। अगर इनमें हम नॉट का यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस निगेटिव कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट इंटेलिजेंट, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, वो ईमानदार नहीं है, यू आर नॉट ब्यूटिफुल, तुम सुंदर नहीं हो, आई डोंट लाइक टू रीड बुक्स, मुझे पुस्तक पढ़ना पसंद नहीं है। इस टाइप के सेंटेंसेस में नॉट का यूज हुआ है। अगर सेंटेंसेस में नो, नेवर, नॉट इस टाइप के नेगेटिव वर्ड्स का यूज किया जाता है, तो वो सेंटेंसेस नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। सेंटेंस चाहे अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों ही टाइप के सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस कहा जाता है। अब गाइस बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कोई क्वेश्चन पूछना होता है, अपनी बात को किस वे में एक्सप्रेस करना है, जर्नल वे में या कोई क्वेश्चन को पूछना है। ये सेंटेंस के टाइप्स पे डिपेंड करता है। सेंटेंस के टाइप्स की नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है, इसकी आगे की वीडियोस में भी बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इनके टाइप्स को डिटेल में जानते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ हम करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, What is your name? तुम्हारा क्या नाम है? Where do you live? तुम कहाँ रहते हो? What do you like? तुम्हें क्या पसंद है? What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस सभी sentences में एक question पूछा जा रहा है, तो जिन sentences में question पूछा जाता है वो सभी sentences interrogative sentences कहलाते हैं, और इन sentences के last में question mark लगाया जाता है। तो गाइस अब बात करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज़ आज्ञा देने के लिए, सलाह देने के लिए या प्रार्थना करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गो देयर, वहाँ जाओ, सिट डाउन, बैठ जाओ, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए, डू योर वर्क, अपना कार्य कीजिए। इस टाइप के सेंटेंसेस में आज्ञा, सलाह या प्रार्थना, ये सब भावनाएं व्यक्त होती हैं। गाइस इस टाइप के सेंटेंसेस
वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट इसमें दिखता नहीं है, वर्ब से डायरेक्ट स्टार्ट होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसकी स्ट्रक्चर शुरू होती है सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन इस टाइप के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है, मीन्स हाइड होता है। तो इस टाइप के सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होते हैं, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का यूज स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, एक्साइटमेंट, सरप्राइज, हैप्पीनेस, एंगर, इस टाइप की फीलिंग को शो करने के लिए किया जाता है। मीन्स जब हम बहुत गुस्से में होते हैं या बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या किसी भी चीज़ को देखकर या किसी बात से बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, उस समय हम इस टाइप के सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वॉट अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग इट इज, कितनी सुंदर इमारत है। सरप्राइज होके जब हम बहुत खूबसूरत, सपोज एक बिल्डिंग देखते हैं बहुत खूबसूरत, तो बहुत ही सरप्राइज होके हम यही बोलते हैं, कितनी सुंदर इमारत है, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज। गाइस, अगर हम इसे कॉमन वे में बोलेंगे, मींस अगर हम इसे असर्टिव सेंटेंस में बोलेंगे, तो हम ये बोलेंगे कि यह इमारत बहुत सुंदर है, ये एक जनरल बात है। लेकिन अगर हम इसको एक्सक्लेमेटरी में बोलेंगे तो हम यही कहेंगे, कितनी सुंदर इमारत है, मींस बहुत ही सरप्राइज के साथ हम ये बोल रहे हैं। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, हाउ लेजी यू आर, कितने आलसी हो तुम। सरप्राइज होके जब हम बोलते हैं सरप्राइज में एकदम, कितने आलसी हो तुम, हाउ लेजी यू आर। व्हाट अ प्लान, क्या योजना है, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, कितने बुद्धिमान हो तुम। जनरल वे में यू आर वेरी इंटेलिजेंट मीन्स यू आर वेरी इंटेलिजेंट अगर हम बोलते हैं तो वो सेंटेंस एक्सप्रेस करता है कि हम बहुत ही कॉमन वे में बोल रहे हैं, वो सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस हो जाता है। और अगर हम सरप्राइज होके बोलते हैं, मीन्स सेंटेंस की इस स्ट्रक्चर का, इस टाइप का यूज़ करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज़ करते हैं, तो इससे ये पता चलता है कि हम बहुत सरप्राइज होके इस बात को बोल रहे हैं। तो गाइज, इस तरह के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट को शो करते हैं, मीन्स जब बहुत ज़्यादा हमारी फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है, उस समय इस तरह के सेंटेंसेस का यूज करते हैं। अब गाइस बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम प्रार्थना करते हैं या किसी चीज की उम्मीद कर सकते हैं, कोई आशा करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर तुम्हारी सहायता करें। मे यू बी हैप्पी इन लाइफ, आप जीवन में प्रसन्न रहें। मे यू प्रॉस्पर इन लाइफ, आपको जीवन में खुशहाली मिले। इन सभी तरह के सेंटेंसेस में गाइस ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, एक आशीर्वाद दिया जा रहा है, इसमें ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, तो इस तरह के सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में काउंट किए जाते हैं। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए, मीन्स हम किस वे में अपनी बात को कहना चाहते हैं, सेंटेंस के टाइप की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आई होप गाइस कि आपको सेंटेंस के टाइप बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।